नमस्कार, मैं राकेश चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के गोपालगढ़ में। यहाँ एक हमें ताऊ जी मिले हैं जिन्होंने अपनी मूछों पर बहुत काम किया है और अच्छी लंबी लंबी मूछें हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने इन मूछों को लंबी किस तरह से तैयार की और इनको रख रखाव में किस तरह उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जी ताऊ जी, मूछों को लेकर मेहनत करनी पड़ती है, धोनी है, साफ सफाई रखनी है और इसको बार बार मैं मूछों पे हाथ फेरते हैं, ये इसकी सफाई है। अच्छा, तो कितने समय से ये आपने मूछें रखी हैं? ये रखे साहब मैंने 25 साल थे। अच्छा, तो कलेक्टर ने 11,000 भरतपुर में ऐसे अहमद आए जब उसने 11,000 रुपए दिए। अच्छा, तो ताऊ जी को 11,000 रुपए का इनाम भरतपुर कलेक्टर ने भी दिया है जैसा कि वो बता रहे हैं। तो आप इन मूछों को रख रखाव के लिए किसी जेल का भी इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ सिंपल जेल फैल नहीं है, ऐसे ही खाली वो सही। अच्छा, हाँ। तो इनको रखने से कोई आपको परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है सर। अच्छा, तो कैसा फील होता है मूछों को लेकर के? मूछों को फील्ड खूब अच्छा रहता है, आराम से खेतों पर घूमे, हाँ। बाजार में घूमो, हाँ। और शाम ब्याह शादी में घूमो। ब्याह शादियों में जब जाते होंगे तो आपके आपके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें रहती होंगी लोग? हाँ, फेंटा बांध के जाता हूँ। अच्छा, हाँ। और मूछों को मतलब अच्छी तरह से तैयार करके जाते हो? हाँ, तैयार करके जाता हूँ और अच्छी पहनाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो ताऊ जी कह रहे हैं कि अच्छी तरह से पहनाते हैं, तो इनको रख रखाव के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि ये मूछें इसी तरह से तैयार हो जाती हैं। इस तरह की मूछें और भी किसी की हैं यहाँ आसपास? यहाँ आसपास नहीं है किसी की भी, नहीं मेरी। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।